का शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशकों की चिंता यह है कि आखिर कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें और किससे बचें। आइए आपको बताते हैं शेयर बाजार में गिरावट के वो तीन प्रमुख कारण जो गिरते शेयर्स के लिए जिम्मेदार हैं। लगातार गिर रहा शेयर बाजार, निवेशक चिंतित, कहां करें निवेश, क्या है गिरावट के प्रमुख कारण, ये है बाजार के मौजूदा हाल। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को शेयर बाजार गोता लगाते हुए बंद हुआ था। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। ये लगातार पांचवा कारोबारी सत्र है जब बाजार नीचे आया है। सेंसेक्स कुल मिलाकर पांच सत्रों में 2984.03 अंक यानी 5.01% नीचे आ गया है। शेयर बाजार में पाँच दिनों की गिरावट के साथ BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 8,08,067.6 करोड़ रुपए घटकर 2,66,02,728.45 करोड़ पर आ गया है। गिरावट की वजहें, बढ़ती महंगाई की चिंता। देश में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन मार्च 2022 में 17 महीने के टॉप 6.95% पर पहुंच गया। फूड आइटम्स के साथ साथ कमोडिटी कीमतों पर बढ़ते दबाव के चलते महंगाई में उछाल आया। बढ़ती महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। मार्च 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.95% रही, जो कि 6.3% के अनुमान से ज्यादा है। अगले दो महीनों तक भी कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। बढ़ती महंगाई के समय में निवेशकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपने निवेश पोर्टफोलियो को इस तरह बनाने का है जो महंगाई दर को मात देकर बेहतर रिटर्न दे सके। हालांकि कमोडिटी प्रोड्यूसर्स कंपनी की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, इसलिए लो मार्जिन सेफ्टी है। रूस यूक्रेन युद्ध की अनिश्चितता। युद्ध यानी नुकसान ही नुकसान। अब रूस यूक्रेन युद्ध का असर हर तरफ दिख रहा है। दोनों देश के युद्ध में वहां के सैनिक, आम नागरिक के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजार के साथ भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। युद्ध शुरू होने के शुरुआती समय से सेंसेक्स 5000 अंक से ज्यादा गिर चुका है। सेंसेक्स बड़े अंक की गिरावट के साथ लगातार ट्रेड करता नजर आया। इस गिरावट में भारतीय निवेशकों ने यूक्रेन की GDP से ज्यादा पैसा गंवा दिया। 15 फरवरी के बाद से अब तक भारतीय इन्वेस्टर्स को 15 लाख करोड़ रुपए यानी $197 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, या यूं कहिए कि बोरा भर भर के शेयर बेच रहे हैं। अक्टूबर से विदेशी निवेशकों की शुरू हुई बिकवाली 6 महीने बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा जारी बिकवाली के कारण पिछले साल अक्टूबर से घरेलू शेयर बाजारों से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है। ये बिकवाली फरवरी में 45,720 करोड़ रुपए और जनवरी में 41,346 करोड़ रुपए की निकासी के बाद आई। इसके साथ FPI ने 1 अक्टूबर 2021 से 2,06,686 करोड़ रुपए IPO में FPI निवेश को छोड़कर निकाले हैं। सेंसेक्स में गिरावट से निवेशकों को 3.42 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंगलवार को कारोबार बंद होने के बाद सेंसेक्स का बाजार पूंजीकरण 2,69,44 लाख करोड़ रुपए था। बुधवार को ये घटकर 2,66,02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। बीते पांच दिनों में सेंसेक्स की गिरावट से निवेशकों को 9.14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।